वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2023 को लेकर एक बड़ी खबर लेकर के आए हैं। बड़ा अपडेट ये है कि फाइनली एक बड़ी प्रतीक्षा का अंत हो गया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यथाशीघ्र विज्ञापन आ जाएगा। और हाँ, भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रारूप आ चुके हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बीपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसे हमने बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत किया गया है, यानी इन्हें टेंडर मिला है शिक्षकों की बहाली के लिए। आगे ये कहते हैं कि इस आलोक में आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसका विषयवार, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की संरचना आदि का विवरण आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। हम आपको आगे विस्तृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रारूप भी दिखलाएंगे जिसे बीपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और समय समय पर इत्यादि संबंधी सभी सूचना आयोग के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, आपके मन में आप सवाल उठ रहा होगा कि शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जो होगी वो किस प्रकार होगी, क्या परीक्षा का प्रारूप होगा, क्या पाठ्यक्रम है। हालांकि हमने आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस दिया था जिससे आप संतुष्ट नहीं थे, मैं भी संतुष्ट नहीं था, लेकिन यह ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। अब आगे की तैयारी हम इस आधिकारिक पाठ्यक्रम के अनुसार ही करेंगे। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण नोट्स यथाशीघ्र हम जारी करने वाले हैं और आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर आप राज्य कर्मी शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार सुपर टेट, बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हम कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट के माध्यम से परीक्षा तक हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे। आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आइए अब हम आपको दिखलाते हैं वो आधिकारिक पाठ्यक्रम जिसे बीपीएससी ने जारी किया। बीपीएससी ने जो पाठ्यक्रम जारी किया है वो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा दोनों में जारी किया है। सेम चीज को उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, आपकी मर्जी किसे आप आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो परीक्षा होने वाली है, शिक्षक भर्ती परीक्षा नियमावली 2023 के अनुसार प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के शिक्षकों की बहाली होगी और एक परीक्षा के माध्यम से होगी जिसे बीपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये परीक्षा जो होगा रिटर्न होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको चार ऑप्शन उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें एक सही होंगे, तीन गलत होंगे। और खास बात यह भी है कि अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको अंक दिए जाएंगे, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो अंक काटे जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग भी अप्लाई है। यह जो परीक्षा होगी इसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर सभी के लिए होगा, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, सबके लिए कॉमन होगा। और दूसरा पेपर जो होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा।
खास बात यह है कि पहले पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 30% लाने हैं, यानी पेपर वन जो 100 नंबर का है उसमें अगर आप मिनिमम 30 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे, पेपर वन में और पेपर टू में अपियर माने जाएंगे। अगर आप पेपर टू में काफी ज्यादा नंबर लाते हैं, पेपर वन में 30 से कम लाते हैं तो आप फेल समझे जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि पेपर वन में आपको सिर्फ पास करना है, आपकी जो नियुक्ति होगी पेपर टू के आधार पर होगी। अब हम देखते हैं पेपर वन सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, जो प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सभी शिक्षकों के लिए कॉमन है। दोस्तों पेपर वन में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें 25 नंबर इंग्लिश विषय से पूछे जाएंगे, दूसरा पार्ट होगा जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी उर्दू बंगला विषय से पूछे जाएंगे। आप हिंदी उर्दू बंगला में किसी एक का चयन करेंगे। अगर आप उर्दू टीचर हैं तो उर्दू का चयन करेंगे, अगर आपको हिंदी अच्छा आता है तो हिंदी का चयन करेंगे, अगर आपको बंगला की जानकारी है या बंगला शिक्षक हैं तो आप बंगला का चयन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि पेपर वन के पार्ट वन में 25 क्वेश्चन इंग्लिश से और 75 क्वेश्चन हिंदी या उर्दू या बंगला विषय से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए एक अंक निर्धारित है, यानी 25 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स हो गए, 75 क्वेश्चन के लिए 75 मार्क्स हो गए। उम्मीद करता हूं कि आप जो है पेपर वन को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पेपर टू की ओर। पेपर टू जो है ये प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल तीनों के लिए डिफरेंट रहेगा। प्राइमरी स्कूल वालों का जो पेपर टू है उसमें केवल और केवल जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के होंगे। प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हम बात करें सिलेबस की तो इसमें मैथमेटिक्स से भी प्रश्न होंगे, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से भी प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस सोशल साइंस इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल स्टडीज को भी इंक्लूड किया गया है। कहने का मतलब यह है कि कुल 8 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर टू के आधार पर ही आपकी नियुक्ति होगी। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आएगा, अगर आप ले आते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। ये थी प्राइमरी शिक्षकों के लिए प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले शिक्षकों का सिलेबस था, यानी इनके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा क्वालिफाइंग जिसमें 25 इंग्लिश के और 75 हिंदी उर्दू बंगला के क्वेश्चन होंगे, दूसरा पेपर केवल और केवल सामान्य अध्ययन होगा। कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो प्राइमरी स्कूल टीचर को 250 नंबर के परीक्षा देने होंगे और 4 घंटे परीक्षा हॉल में बिताने होंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी टीचर की कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। सबसे पहले आप जान लें कि पेपर वन इन्हें भी देना है। इन्हें भी जो पेपर वन होगा उसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश से और 75 हिंदी उर्दू बंगला के होंगे। इसमें आपको मिनिमम 30 अंक लाने हैं 100 में और ये केवल क्वालिफाइंग है। इस अंकों के आधार पर आपकी नियुक्ति नहीं होगी बल्कि आप पेपर टू में अपियर माने जाएंगे। अब बात करते हैं मेन परीक्षा की जिनमें सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज इंक्लूड हैं। आपको पता होगा कि सेकेंडरी स्कूल में जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो विषयवार होगी,
हिंदी के शिक्षक की नियुक्ति होगी, उर्दू के शिक्षक की नियुक्ति होगी, गणित के शिक्षक की नियुक्ति होगी, विज्ञान के शिक्षक की नियुक्ति होगी, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की नियुक्ति होगी, संस्कृत के शिक्षक की नियुक्ति होगी, यानी विषयवार शिक्षक की नियुक्ति होगी। अगर आप विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपको विज्ञान विषय की परीक्षा देनी है। अगर आप गणित के शिक्षक हैं तो आपको गणित विषय की परीक्षा देनी है। अगर आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं तो आपको अंग्रेजी विषय की परीक्षा देनी है। इसी प्रकार आपको पेपर टू के पार्ट वन में सब्जेक्ट आधारित परीक्षा देनी है, जिसमें हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, फारसी यानी इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस इंक्लूड हैं। इसका भी पार्ट टू होगा, जिसमें जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट टू केवल और केवल 50 मार्क्स का होगा और 50 प्रश्न होंगे, जबकि पार्ट वन में विषय से 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो 50 अंकों का जनरल स्टडीज है, समान अध्ययन है, ये लगभग सेम टू सेम प्राइमरी स्कूल के सिलेबस में मिलता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा एज अ प्राइमरी टीचर। इसमें भी मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी आदि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो सेकेंडरी स्कूल के एनसीईआरटी पुस्तक के लेवल का होगा, जबकि प्राइमरी का जो स्टैंडर्ड है वो प्राइमरी स्कूल 1-8 के लेवल का होगा। कहने का मतलब यह है कि इनकी भी परीक्षाएं 4 घंटे की होगी। पार्ट वन 2 घंटे का है, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 75 हिंदी, उर्दू, बंगला के होंगे, तथा पेपर टू जो इनका है वो 150 अंकों का है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। पेपर टू में पार्ट वन और पार्ट टू है। पार्ट वन में केवल और केवल सब्जेक्ट आधारित प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंकों के, तथा पार्ट टू में जनरल स्टडीज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 अंकों के। सेकेंडरी स्कूल टीचर के बाद बारी आती है हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर की। दोस्तों, हायर सेकेंडरी का मतलब ये होता है उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति। उच्च माध्यमिक यानी 11 और 12 में भी विषयवार शिक्षकों की बहाली होती है। सभी विषय के शिक्षकों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। सबसे पहला इन्हें भी पेपर वन क्वालिफाई करना है, जिसकी चर्चा हम प्राइमरी स्कूल टीचर और सेकेंडरी स्कूल टीचर में किए हैं। यानी इन्हें भी 25 क्वेश्चन इंग्लिश से और 75 उर्दू, हिंदी, बंगला से पूछे जाएंगे। इसमें इन्हें भी केवल और केवल 30% लाने हैं। इस 30% के आधार पर इसकी नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होंगे। इनकी नियुक्ति पेपर टू के आधार पर होगी, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इन्हें भी 4 घंटे परीक्षा हॉल में बिताने हैं। इनका भी जो पार्ट वन है वो विषय आधारित है। जिन विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होगी उन विषय के शिक्षकों से उसी विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण स्वरूप, हिंदी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हिंदी विषय के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबिक, पर्सियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और भी बहुत सारे विषय हैं। आप अपने विषय के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें। पार्ट वन में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से और पार्ट टू में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज से। इनका भी जो सिलेबस है
वो प्राइमरी और सेकेंडरी से मिल रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड हायर सेकेंडरी लेवल का होगा। इसमें भी विषय के रूप में मैथमेटिक्स जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, चाहे प्राइमरी स्कूल टीचर हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल टीचर हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर हो, सभी शिक्षकों के पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण नोट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इकट्ठा कर रखे हैं, उसके सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, बीपीएससी टीचर की संपूर्ण तैयारी हम पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से कराते हैं। हमारे नोट्स आप बाय पोस्ट अपने पते पर भी प्राप्त कर सकते हैं। हम कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। नोट्स के अतिरिक्त हम प्राइवेट वीडियो, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। दोस्तों, इस परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। अगर सही उत्तर होता है तो आपको नंबर दिए जाएंगे, गलत उत्तर पर नंबर काटे जाएंगे। कितने नंबर काटे जाएंगे ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बीपीएससी अपने परीक्षाओं में 1/4 अंकों का डिडक्शन करता है। आगे ये भी क्लियर हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। दोस्तों, इस परीक्षा में पासिंग मार्क क्या है, आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। बीपीएससी जो है सामान्य प्रशासन विभाग के नियम को फॉलो करता है। इसके नियम के अनुसार परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य है, यानी मिनिमम 40% आपको हर हाल में लाना है। कट ऑफ मार्क्स जो भी आएगा वो इससे ऊपर आएगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अंकों में छूट दिया गया है, इन्हें 36% पर ही पास माना जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को 34% पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता होगा। इससे कम जो भी कैंडिडेट नंबर लाएंगे वो परीक्षा से अनुत्तीर्ण समझे जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो अंक लाने हैं आपको पेपर 2 में लाने हैं, पेपर 1 में आपको सिर्फ पास करने हैं 30% लाकर। आपकी जो नियुक्ति होगी पेपर 2 के अंकों के आधार पर होगी। आपका जो कट ऑफ मार्क्स आएगा पेपर 2 के अंकों के आधार पर आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सिलेबस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बीपीएससी द्वारा जारी सिलेबस को आप हमारी वेबसाइट www.teacherrehmat.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत के नाम से जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है को डाउनलोड करके बीपीएससी टीचर प्रिपरेशन एंड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अब भी आपके कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने प्रश्न इंडिविजुअली हमसे साझा करने के लिए, बेहतर तैयारी हेतु नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।